क्या करें सर, मोहब्बत में आ जाते हैं। आपने फिल्म देखा और इसको इसका निर्माण किया गया है, 11 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से ये तैयार हुआ है और इसमें ऐसी 3D फिल्में दिखाई जाएंगी, खास करके जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कीड़ा चिड़िया सब के बारे में पूरी जानकारी, कब कैसे वो उभरा है, कैसे आगे बढ़ा है और किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं, दूसरे का को खा करके कैसे सर्वाइव करते हैं और उसमें जो एक के बाद दूसरी चीज़ें उभरती आ रही हैं, तो उसका एक संक्षेप में जो कुछ भी कुछ कीड़े और कुछ चिड़ियों के बारे में बताया, तो इससे लोगों की अभिरुचि पैदा होती है इन चीज़ों के बारे में जानने का। और अब इसके बाद ये लोग थोड़ा पशुओं के बारे में भी लाएंगे और ये फिल्म बहुत महंगी फिल्म है, लेकिन हम लोगों ने ये उचित समझा और ये माना कि भाई इन चीज़ों के बारे में नई पीढ़ी के लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, वो जाएंगे पार्क में जाएंगे, उनको जो प्राकृतिक चीज़ है उसमें थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो इस सिलसिले में उनका और ज्ञान बढ़े, इन चीज़ों से उनके मन में और आकर्षण बढ़ेगा, तो प्रकृति के बारे में उनको पूरी जानकारी और होगी। तो इसका मकसद यही, मानव सभ्यता के विकास से संबंधित कुछ फिल्में आएंगी क्या, जो दिखाया जाए कि भाई किस तरह से? हाँ, वो सब चीज़ लाएंगे, ये लोग तो अभी जैसे ला रहे हैं, एक से शुरुआत किया, अभी और लाने वाले हैं, तो इस तरह से हर क्षेत्र के बारे में बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी मिलेगी। हम तो चाहेंगे सिर्फ नई पीढ़ी के क्यों, पुराने लोग, इसलिए हम लोगों ने कहा कि कैबिनेट के सारे लोग चल करके देखें, लोगों से अपील करते हैं कि लोग आकर के देखें।